से ऊपर नहीं जा रही है अभी, ऐसा लग रहा है लिमिटर लग गया 120 पे। और कुछ हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का पिस्टन नेशन में। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस करा था कि इस बार संडे परेड पे जरूर जाएंगे। यार बालकलाव कैसे टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो कर लेंगे ठीक। तो मैंने जैसे प्रॉमिस करा था इस संडे जाएंगे संडे राइड पे ज़रूर। तो हम निकल गए संडे राइड पे। पीछे हनुमान जी की मूर्ति और मैं आपको लाइनअप दिखाता हूँ। लाइनअप तो दिखा दूंगा, पहले मैं आपको बता दूँ आज का प्लान क्या है। तो अभी तक तो प्लान ये है कि हम जाएंगे लेपर ट्रेल, बाकी देखो रास्ते में कुछ चेंज होता है तो आपको पता लग ही जाएगा। तो लाइनअप दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लाइनअप है। आज एक V4 भी आई है दोस्त की। तो देखो बाइक्स, ये देखो इसको तो आप जानते हैं, NMN ब्लॉक्स के पास है 160, ये हमारे पास है 200 और वो बाइक V4। और आज आया कपिल साथ में, पवन, नवन और गौरव भाई। नाम ले दिया भाई तेरा, लो उसको दिखाओ पहले। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई हनुमान जी की मूर्ति से। ये देखो देख रहा है। तो भाई स्टार्टिंग होती है हनुमान जी की मूर्ति से और अब चलते हैं अपनी राइड करते हैं कंटिन्यू। मिलते हैं आपसे GoPro पे। तो गाइस स्टार्ट हो गई आज की राइड और ये देखो इसने अपनी बाइक में मोड्स कराई हैं, दिखाता हूँ मैं चल के। रुको ये देखो इसने लगवाए आगे हैंड गार्ड, कैसे लग रहे हैं भाई बताओ। और मैं भी लगवाने, वाइज़र बंद कर लूँ, आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो भाई वाइज़र बंद कर लिया। तो मैं बता रहा था हाँ कि जैसा कि मैंने भी प्लान करा है कि कुछ करवाएंगे, या तो देखो पुराना लुक वापस सिलाएंगे या फिर कुछ यूनिक करवाएंगे जैसे पहले करवाया था। तो वो तो चलो बात की बात है, अभी करते हैं राइड कंटिन्यू। और ठंड भाई है, मतलब पहले से थोड़ी कम हो गई है ठंड। हम तो वैसे भी हिमाचल से हैं तो भाई उसके कंपैरिजन में तो हमें कम ही लग रही है। बाकी अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि बज रहे हैं सुबह के 7। देखो फॉग कितना है और फॉग के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दो, ठंड तो है, मतलब ज़्यादा नहीं है पर है ठंड। हम तो भाई पूरा पैक होके आए पड़े हैं। अब चलते हैं सीधा लेपर ट्रेल की तरफ। अभी भाई ज़्यादा लंबा रन दे नहीं पाएंगे क्योंकि देखो फॉग है और थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से ही चलें तो ही ठीक रहता है। कंट्रोल में, जितना कंट्रोल में हो उस हिसाब से चलना चाहिए। तो आराम से चलते हैं और क्या है। अब वो आराम से जल्दी में कब बदल जाए वो आप तो आपको ब्लॉग में ही पता लगेगा। चलो अब टॉप रन करके देखते हैं इसका। अभी ठंडी पड़ी है शायद इस वजह से उठ नहीं रही है, चौथे में उठाते हैं। तो 20 से ऊपर नहीं जा रही है अभी, ऐसा लग रहा है लिमिटर लग गया 120 पे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं बोल रहा था ठंड कम होगी है, अब पता लग रहा है भाई कोई कम नहीं हुई, हमारी साइड ही थोड़ी कम है। ओहो किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर गिरता जा रहा है। और आगे तो फ्लाईओवर आएगा वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे तो भाई हमेशा ही ठंड लगती है, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लगेगी लग रहा है। बाकी सुपर बाइक्स वगैरह नहीं दिख रही यार आज, हम ज़्यादा ही जल्दी आ गए ना इस वजह से नहीं दिख रही। आते टाइम देखते हैं मौसम रहेगा, मौसम क्या आते टाइम तो धूप निकल। अरे भाई भाई कंट्रोल में आउट चला गया था, बाहर निकल गया था भाई। कंट्रोल में कोई बात नहीं, एक आध बार तो चलो हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी जल्दी हम पहुंचने वाले हैं टोल लेफ्ट में। मांगर तो हम पहुंच गए ऑलरेडी, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो मांगर आ जाएगा। बाकी टोल रहेगा यहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर मैक्स। ओहो इस चीज़ के लिए सावधान भाई, हर बार ऐसे कुछ ना कुछ होता ज़रूर है इस रोड पे खासकर, क्योंकि यहाँ पे भाई गाय वगैरह रोड पे रहती रहती है। बीच में पत्थर आ गया था, मेरे को लगा पत्थर है क्या है, इसलिए मैंने स्लो कर ली।
काफ़ी देर इस अप एंड डाउन वाले रोड पे चलने के बाद अब पहुंचने वाले हम लेपर ट्रेल। आगे से हमें उन्हें लेफ्ट, फॉग इतना है कि हमें कट भी नहीं दिख रहा। ये देखो भाई फॉग मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए क्या, कट भी नहीं दिख रहा भाई। अब यहाँ से होना है हमें लेफ्ट, लेफ्ट दूर की बात, हमें आगे चलती गाड़ी नहीं दिख रही भाई। बहुत हैवी, बहुत डेंस है भाई, बहुत डेंस फॉग है। मेरे तो इंडिकेटर और नहीं चल रहे। इस साइड का रोड बंद कर रखा है, अच्छा आगे से डाइवर्जन दे रखा है, वो तो सही है। अब भाई BS4 से ना ये फीचर आने लग गया था कि हेडलाइट बंद नहीं होंगी, तो भाई हेडलाइट तो हमेशा जलती रहती है, दिन हो चाहे रात हो। यार ये इतना मस्त रोड है ना, पर फॉग ने थोड़ा सिस्टम खराब कर दिया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, आसमान की ऊंचाइयों में नहीं, रोड की गहराइयों में, और ये मैं रोड की गहराइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। आगे की लाइन नहीं बोलते, गंदी बात। तो बताओ। ये देखो एकदम से फॉग हट जाता है, एकदम से आ जाता है। मतलब हमारी स्पीड है 60 से ऊपर तो हम चल ही नहीं सकते। चंगे टाइम में कितने मंदे हाल कर दे। ओहो मेरा भरे ज्यादा है माने मुंडे ये चक्के पे लो के नाड़ो। अरे कहना क्या चाहते हो, उधर देख और कुछ लेफ्ट में कट है, अब ये नहीं पता कट कहाँ गया, आ गया। ओहो चलो भाई दूर तो निकलेगी लग रहा था, बाकी लेफ्ट में हमें मुड़ना है, ये रहा कट। ओहो यहाँ भी फॉग मिलेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल जंगल का एरिया है अंदर की साइड, और अरावली हिल्स के बीच में बसा हुआ लेपर्ड ट्रेल। ये देखो इसको, एक और इसको भी देखो, ग्लोरियस की एडवर्टाइजमेंट करता हुआ जा रहा है। देखो भाई साहब कितना ही जबरदस्त कोहरा हो रहा है आज। ये देखो बंदे नहीं दिख रहे रोड पे चलते हुए। देखो एकदम से फॉग आता है, एकदम से चला जाता है। तो भाई फॉग को देखते हुए अभी कुछ कंटेंट वंटेंट शूट किया जा रहा है। कपिल बैठा है मेरे पीछे, कपिल के पास है फ़ोन, वो शूट कर रहा है, दोनों को आते टाइम मैं करवा लूँगा। मतलब मेरे को अभी तक तो एक भी बाइकर नहीं दिखा, एक भी बाइकर जिसे कहते हैं ना, सब टन में सोने भाई। हम निकले हुए हैं देखो वीडियो बनाने के लिए, तो भाई इसी बात को देखते हुए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर दो, किसको लाइक करोगे, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी ठंड में भी वीडियोस बना रहा हूँ। रोड यार इतना मस्त रोड है ना, ये क्या बताऊँ, बस बीच में पॉट होल्स हो गए इतने ज़्यादा बारिश की वजह से हुए होंगे, तो ये काम ख़राब कर रहे भाई। हालांकि इन्हें भरने की कोशिश की गई है ऐसा लग रहा है देख के, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ और बाइकर्स, यहाँ से चलो शुरुआत हो गई दिखने की, आते टाइम काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि हम निकले हैं काफ़ी जल्दी। जैसा कि आपने देखा होगा हम आए थे अंधेरे में भाई, अंधेरे में निकल चुके थे हम घर से, हम निकले थे काफ़ी जल्दी और इस वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा। और ये वही कॉर्नर है जहाँ पे मैंने एक रील शूट करी थी बड़ी खतरनाक सी, नहीं देखी तो जाओ इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम आ रहा होगा, लाइक करो फॉलो करो। ब्रेकर ये कभी नहीं रोकता भाई, ब्रेकर पे हमेशा कूदा देता है। ये देखो ये कूदा दी, देखा ये नहीं रोकता कभी। ये देखो व्यू, देखो नज़ारा, अब तो फॉग कम हो गया, मस्त व्यू आ रहा भाई। यहाँ से ऑफ रोड का रास्ता जैसे मैंने आपको बताया, आओ ये देखो भाई जंगल जंगल कैफे का नाम मिट गया, सिर्फ जंगल जंगल बचा है। जंगल कैफे में पहुंच गए हैं,
राइडर पैडर तो मिला नहीं हमें, हमने कहा चलो यही अच्छा लग रहा है यहीं चलते हैं। अभी आपने एंट्री देख ली होगी जंगल कैफे पे, भाई कैफे तो बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब ये ना अभी आधा बना हुआ है, इसमें काम वाम चल रहा है और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लगा वो तो ज़बरदस्त। खाना तो एवरेज एवरेज सही है थोड़ा, बाकी एम्बियंस बहुत अच्छा है। अब रात के टाइम पे तो और अच्छा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा एरिया, बहुत बड़ा है और बहुत मस्त एरिया है। देखो बैक साइड में जाएंगे तो भाई पूरे में खेत ही खेत, ग्रीनरी पूरी, पूरे में खेत और मस्त पहाड़ के व्यू, भाई मज़ा ही आ गया। हिडन प्लेस है, हिडन प्लेस बहुत पीछे आ गया। ये देखो यहाँ स्विमिंग पूल मिल जाता है, ये तो अभी यूज़ में नहीं है तो इसका पानी भी भाई गंदा ही है। और ये देखो रेन डांस का वो बना रहे हैं पूरा सौदा, और सामने वहाँ सिटिंग एरिया जहाँ हम बैठे हुए थे, मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़बरदस्त लगाया भाई बंदों ने। यहाँ पे बंदे बहुत कम आ रहे हैं जिनको, मतलब क्योंकि बीच में गांव पड़ जाता है और इससे पहले ही सारे कैफे पड़ जाते हैं, इस वजह से बंदे आ नहीं रहे। बाकी जगह तो बहुत बढ़िया है, मस्त करा, मस्त किया हमने जो आगे की तरफ आ गए। हम ढूंढ रहे थे राइडर पैराडाइज, पैराडाइज की जगह कुछ और ही मिल गया, पर जो भी मिला भाई मस्त है। देखो पहाड़ी पहाड़ और बीच में मस्त सा रिजॉर्ट कैफे जो भी बोल लो।